हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ तालपोश की एक न्यू और फ्रेश डिज़ाइन। बहुत खूबसूरत सी है, दिखने में जितनी खूबसूरत है बनाने में उतनी ही इजी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 प्ले ऊल लिया है, थोड़ा पतला सा है इसलिए इसके 2 लेयर लिए। अगर आपको सेम ऊल मंगवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको मैंने मैजिक रिंग के साथ स्टार्ट किया है, इसलिए 4 चैन बनाऊंगी स्टार्टिंग में और फिर डबल क्रोशिया। अगर आपको मैजिक रिंग नहीं बनानी आती तो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो वहाँ जाके आप सीख सकते हो, सिंपल सी है। फिर 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको इस सर्कल को कंप्लीट कर देना है। राउंड फर्स्ट है, सिर्फ सिंपल सा है। 2 चैन, 2 डबल, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन डबल क्रोशिया, 2 चैन डबल क्रोशिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी पंखुड़ियाँ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया बना रही है। तो मैंने 7 पंखुड़ियों वाला पैटर्न बना रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनानी है। अगर आप उससे ज़्यादा बनाना चाहते हो तो 2 की संख्या में आपको यहाँ पर डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ानी होगी। जैसे आपको 8 चाहिए तो यहाँ पे आपको 14-16 डबल क्रोशिया बनानी पड़ेंगी। मैंने 7 पंखुड़ियों को बना रही हूँ इसीलिए मैंने 14 डबल क्रोशिया बनाई है। अब चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ। सेकंड राउंड में भी सिंपल सा है। पहले इसको हम अटैच कर देते हैं सिंगल क्रोशे के साथ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 5 चैन बनाऊँगी, 2, 3, 4, 5 स्टार्टिंग में बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले जो 2 चैन वाला लूप है उसमें हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है और 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से आपको 3 चैन बनानी है, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से पूरे पैटर्न को आपको कंप्लीट कर देना है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 3 चैन बनानी है, ये देखिएगा, टोटल हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। बट आपको जब भी राउंड बनाएंगे तो जो ऊल है उसको सेंटर में लीजिएगा, जो लूप है उसके, क्योंकि जब हम अटैच करते हैं तो क्रोशिया के ऊपर अटैच होता है, तो इसीलिए हर बार आपको उसको सेंटर में लाना ज़रूरी है। इसके बाद 5 चैन बनाऊँगी और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको नेक्स्ट वाले लूप में अटैच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 5 चैन बनानी है, 4, 5, और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ आपको इसको नेक्स्ट वाली लूप में अटैच कर देना है। सेम पैटर्न है, थर्ड राउंड में हम 5 चैन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह से आपको पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम अटैच करते हैं तब इसमें कोने में करते हैं, बट जब हमें नेक्स्ट राउंड बनाना होता है तो हमें उसको सेंटर में लाना पड़ता है। इसीलिए आप यहाँ पे इसको बोलते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ आप इसको सेंटर तक उलन को ले आइएगा। जितना लंबी या 5 चैन वाला है तो इसमें मैंने 3, बस आपको सिंगल क्रोशिया के साथ उलन को जो है वो सेंट्रल तक लाना है। अब यहाँ से हमारा 4th राउंड स्टार्ट होगा। 4th राउंड में आपको क्या करना है कि 7 चैन बनानी है और नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इसके बाद ये देखिए इस तरह से लूप बन जाएगा। फिर और हम 7 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले लूप में अटैच कर देंगे। क्योंकि हमने जो मिडल पार्ट है वो बहुत सिंपल सा रखा है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक के लूप के ऊपर एक एक लूप बनाना है बस। हर राउंड के साथ आपको जो चैन की संख्या है उनमें बढ़ाना है। अगर आप इससे ज़्यादा मोटे मतलब साइज़ में मोटा चाहते हो तो आप और एक आधा राउंड बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद वाला 5th राउंड में हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही आपको पहले धागे को सेंटर तक लाना है। आप लोग एक बात नोटिस करोगे कि हर राउंड के साथ हम लोगों ने
चैन की संख्या है जो है वो बढ़ा दी है। तो अब इस वाले राउंड में हम 9 चैन बनाएंगे और उसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको लूप में अटैच कर देंगे। जब दो प्ले ऊल के साथ, मतलब डबल ऊल के साथ आप जब बनाते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, कभी एक आधा छूट जाता है, तो बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है। अगर आपके पास मोटा ऊल है और किसी और ऊल से बनाना चाहते हो तो आप सिंगल प्ले मतलब एक ऊल के साथ भी आप बना सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है और डिज़ाइन ऑलरेडी हम थोड़ी सी पतली बना रहे हैं, तो इसी को थोड़ा वेट आने के लिए मैंने इसको डबल ऊल के साथ यूज़ किया। आप नॉर्मल एक ऊल के साथ भी इसको बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नेक्स्ट वाला राउंड, इसको भी हमें वैसे ही बनाना है, सेंटर तक ऊल को लेके आना है। ये हमारा 6 नंबर का राउंड है। इसके बाद आपको 11 चैन बनानी है। पहले राउंड में हमारी 9 चैन बनी थी, इसमें हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दी, अब इसमें 11 चैन बनेगी। इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अगली वाली लूप में बस अटैच कर देना है इस तरह से। उसके बाद फिर से आप 11 चैन बनाओगे, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दोगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर देना है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आती है और तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का आंसर देने की कोशिश करूँगी। और जहाँ पे मुझे लगता है कि सिमिलर पार्ट हो रहा है तो मैं वहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन करने की बात बताती हूँ, बाकी हर चीज़ का एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। अब इस वाले राउंड से हमारी मेन डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है। यहाँ सब तो सिंपल सा था, सिर्फ लूप के ऊपर आपको लूप बनाने थे, हर राउंड के साथ आपको चैन की संख्या बढ़ानी थी, बट मेन डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। अब पहले वाले लूप में मैंने डबल क्रोशिया बना दी, इसके बाद 9 चैन बनाऊंगी, 6, 7, 8 और ये 9। 9 चैन बनने के बाद जो नेक्स्ट वाला लूप है उसमें हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ये देखिए इस तरह से बनेगा, फिर 3 चैन बनानी है और फिर उसी वाले लूप में, सेम लूप में और एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमें ट्रायंगल वाला एक लूप बनाना है। इसके बाद फिर से 9 चैन बनाऊंगी और जो नेक्स्ट वाला लूप है उसमें मैं डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर दूंगी। अब आपको एक लूप में सिर्फ डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरे लूप में ट्रायंगुलर वाला बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक डबल क्रोशिया आएगी, इसके बाद फिर 9 चैन बनाएंगे और इसको अब नेक्स्ट वाले लूप में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ट्रायंगुलर वाला बनेगा, तो यहाँ पे 3 चैन ऑन बनेगी, फिर सेम इसमें और एक डबल क्रोशिया बनेगा, मतलब एक में प्लेन, एक में लूप, एक में प्लेन, एक में लूप, इसी तरह से आपको टोटल हमारी, क्योंकि 14 लूप थे तो इसमें 7 इसमें सिर्फ डबल क्रोशिया बनेगी और 7 इसमें ट्रायंगुलर वाला बनेगा, ठीक है। अब जो ट्रायंगुलर वाला है उसमें पंखुड़ियाँ बनेगी आगे, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको 8 बनाना है या 9 पंखुड़ियों वाला डिज़ाइन बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप डबल क्रोशिया बनाइएगा। अब यहाँ से ध्यान दे के देखिएगा, यहाँ पे हमारे जो सिंगल डबल क्रोशिया था उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं एक ही डबल क्रोशिया में, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे 7 चैन बनेगी। अब यहाँ पे संख्या चैन की कम होती जाएगी, 7 चैन बनने के बाद फिर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे ट्रायंगुलर वाले लूप में और उसी लूप में और हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब टोटल उसमें 7 डबल क्रोशिया बनेगी। अगर आपको जो हमारी पंखुड़ी है उसकी साइज़
मोटी चाहिए, ये तो मैंने नॉर्मल साइज़ की बनाई है, अगर आपको और बड़ी चाहिए या तो यहाँ से आप संख्या बढ़ा सकते हो। मैंने नॉर्मली 7 यूज़ किए हैं, आप 8, 9, 10, 11 तक ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा साइज़ चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम 7 चैन बनाऊंगी और फिर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से आपको 7 चैन बनानी है और उसी पैटर्न में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करके और 6 डबल क्रोशिया बनानी है। एक मीडियम साइज़ का फ्लावर बना रही हूँ, आप बड़ा बनाना चाहते हो तो प्लीज़ आप 9 डबल क्रोशिया यूज़ कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हो तो 11 डबल क्रोशिया बनाइएगा। ये स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ 9 बनानी पड़ेगी और लास्ट साइज़ के लिए आपको 11 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको स्मॉल साइज़ में बता रही हूँ, बाकी जो इसकी संख्या है चैन की वगैरह वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा डबल क्रोशिया में। और पंखुड़ियाँ आपको कितनी मोटी चाहिए, कितनी संख्या में चाहिए, 7 है, आपको 9 भी बना सकते हो या 11, 12, जो आपको बस जितनी साइज़ आप बढ़ाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। एकदम जो रिंग बनाया था हम लोगों ने, मैजिक वाला रिंग, उसी में आपको ऐड होनी करनी है। अब नेक्स्ट वाला राउंड जो 9th नंबर का है, जहाँ पे हम लोगों ने डबल क्रोशिया बनाए थे 2, अब हर एक डबल क्रोशिया में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब यहाँ पे कितने 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 3, 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 5 चैन बनाऊँगी, 3, 4, 5, यहाँ पे हम लोगों ने संख्या कम कर दी चैन की। अब जो 7 डबल क्रोशिया थी हमारी, उसको हम इस तरह से पीछे के साइड से उलन को डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। ये इसीलिए कर रहे हैं पैटर्न हम, कि जो वो थोड़ा सा हाईलाइट दिखे हम जो पंखुड़ियों की स्टार्टिंग है। ठीक है, अब इसके बाद एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, 7 डबल क्रोशिया थे तो उसके ऊपर 7 डबल क्रोशिया, 7 चैन बनेगी इस तरह से। देखिए ये हाईलाइट हो गया, नहीं दिखने में खूबसूरत लग रहा है, सिंपल सा चेंजेस किया है बस। अब इसके बाद फिर हम 5 चैन बनाऊंगी और ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें, पहले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनेगी और दूसरे वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनेगी, मतलब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया की संख्या यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 4 बन गए टोटल, ये देखिए इस तरह से बनेगा। इसी को आपको फॉलो करना है और आगे की डिज़ाइन करनी है। और एक बार फिर समझा देती हूँ, इस तरह से हुक को पीछे के साइड से डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर सेम तरीके से और एक डबल क्रोशिया, फिर चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चैन, फिर डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, 7 चैन थी, सॉरी 7 डबल क्रोशिया थी, 7 डबल क्रोशिया बनाए हमने उसके ऊपर। उसके बाद हर जब 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन, तो 7 चैन बन गया। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 5 चैन बनानी है और जो 2 डबल क्रोशिया थे, हर एक डबल क्रोशिया में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल 4। इसको भी आपको पीछे के साइड से हुक डाल के क्रोशिया बनानी है इस तरह से। पूरा पैटर्न, पूरे राउंड को आप कंप्लीट कर दीजिएगा। अब इसके नेक्स्ट वाले राउंड में 10 नंबर का राउंड है, अब क्या करेंगे, जो 4 डबल क्रोशिया थे, जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है
स्टार्टिंग वाला उसमें दो डबल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है, और जो बीच वाले दो डबल क्रोशिया हैं उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनेगा, एक और इसमें भी एक बनेगा, और जो लास्ट वाला है उसमें भी हमें दो डबल क्रोशिया बनेगी। मतलब स्टार्टिंग में दो, बीच में एक एक, और लास्ट में फिर से दो डबल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद आपको चार चैन बनानी है और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, जो चैन बनाई थी हम लोगों ने दो डबल क्रोशिया के बीच, उस पर फिर दो चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, दो चैन, सिंगल क्रोशिया, दो चैन, सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से दो दो चैन के लूप बनाने हैं। उसके बाद फिर से चार चैन बनाऊंगी और ये चार डबल क्रोशिया हैं उस पर हम छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो स्टार्टिंग वाला डबल क्रोशिया है उस पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच वाले जो है उन पर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा, और लास्ट वाले में दो डबल क्रोशिया। अगर आपको कोई भी पैटर्न नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। राउंड नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ हर राउंड के साथ, तो आप जब भी जो भी राउंड पे नहीं समझ में आए तो राउंड नंबर डाल के आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कि इस वाले राउंड में हमें दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और यहाँ तक देख लिया है आपने और अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, तो मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो और अच्छी अच्छी न्यू डिज़ाइन आपको सिंपल तरीके से बताने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो दो डबल क्रोशिया, सॉरी दो चैन, दो सिंगल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न बन गया। अब चार चैन और इसको पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिएगा राउंड कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब इसके नेक्स्ट वाला राउंड जो 11th नंबर का राउंड है हमारा, अब यहाँ तो हमारी छः डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें पहला जो डबल क्रोशिया है उसमें फिर से दो डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, और फिर बीच वाले चार जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया ही बनेगी। ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी सिंगल, और जिस पे एक के ऊपर एक ही है। अब जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। इस तरह से इस वाले राउंड में हमारे टोटल आठ डबल क्रोशिया बनेंगे। और अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी तीन चार चैन और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है इस तरह से, फिर दो चैन, फिर सिंगल, नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे दो चैन। अब यहाँ पे जो लूप है हमारे दो चैन सिंगल क्रोशिया का वो कम होते जाएंगे क्योंकि ये पाइनएप्पल डिज़ाइन है, ठीक है। ये इस तरह से दिखिएगा, पहले पांच बने थे लूप, अब इस राउंड में चार बने, फिर तीन दो एक, तो ये छोटा हो जाएगा, इसीलिए जो साइड वाली डिज़ाइन है उसको हमें बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग वाले डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया बनेंगे और बीच वाले चार इसमें सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनेंगे, हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। क्रोचेट भी बोलते हैं आप इसको और क्रोशिया हिंदी में बोलते हैं। अब लास्ट वाले जो डबल क्रोशेट है हमारा उसमें दो डबल क्रोशेट बनेंगे या डबल क्रोशिया बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से टोटल हमारे आठ डबल क्रोशिया बन गए। फिर से हम
चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर दो चैन सिंगल क्रोशिया, दो चैन सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से आपको पूरा राउंड को कंप्लीट कर देना है। सिंपल सा पैटर्न है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, देखने कितना खूबसूरत लग रहा है। कंप्लीट होने के बाद तो इसका लुक और चेंज हो जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसको आप टेबल कवर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मल सालपोश के साथ डिफरेंट कलर में भी बना सकते हो, या एक प्लेन कलर में भी ये अच्छा दिखता है। आप यहाँ पे जो पहले वाला डबल क्रोशिया है उसमें हमने दो डबल क्रोशिया बना दिए। अब बोलोगे कितनी बार बताओगे सेम पैटर्न ही है, चलो लास्ट बार ही है ये, इसीलिए बता रही हूँ। फिर उसके बाद जो तीन डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर सिंगल एक एक डबल क्रोशिया ही बनाना है, मतलब पहले दो बन गए एक के ऊपर, फिर उसके बाद तीन के ऊपर एक एक, एक, फिर ऐसे पांच डबल क्रोशिया हो गए, फिर चार चैन, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे सिंगल डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट वाले पे सिंगल डबल क्रोशिया, और एक सिंगल डबल क्रोशिया, और लास्ट में फिर से दो डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, तो पांच डबल क्रोशिया इस तरफ, फिर चार चैन और पांच डबल क्रोशिया इस तरफ। तो इस तरह से एक लूप बन जाएगा। फिर यहाँ पे तीन चैन और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर दो चैन, जो हमारा पैटर्न है, दो चैन सिंगल क्रोशिया, दो चैन सिंगल क्रोशिया, इसी की तरह से आपको राउंड को कंप्लीट कर देना है, मतलब उस वाले लूप को। यहाँ पे हमारे तीन लूप बन गए, फिर तीन चैन, एक दो तीन लूप बन गए इस वाले राउंड में, तीन चैन, और फिर स्टार्टिंग में पहले वाले में दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया बन गए, एक दो तीन चार पांच, फिर चार चैन, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर हर एक इसमें एक एक डबल क्रोशिया, और लास्ट वाले डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।